इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप द ऑडियो एंड द वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, कैन यू गाइस सी द एनोटेशंस इन रेड, इफ द मार्किंग्स आर विजिबल और नॉट। एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक से होंगे, 10-10 क्वेश्चन। कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मैंने पुट करें, विच आई विल बी रनिंग फॉर अ डिफरेंट पोल टाइम। पोल टाइम की जगह ऑल द क्वेश्चन जो है वो आप सारे आंसर कर सकते हो इन द कॉमेंट्स। किसी का कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस सेशन, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद द सेम। बिफोर आई बिगिन द क्लास, एक क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर स्टार्टिंग एट एन अकेडमी। उसके अलावा कौन से बैचेस एंड हम लोगों का कल का क्या स्केड्यूल होने वाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हेलो अतुल्या, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल। सो बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, 8th ऑफ ऑगस्ट दैट इज कमिंग संडे, वी विल बी हैविंग द मेगा फॉर्मेट एट एन अकेडमी, जहाँ पे 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस विल बी देयर। जस्ट यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर फ्री एनरोलमेंट। किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेशन, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद द सेम। 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, जहाँ पे अलग अलग पूल अलग अलग आप लोगों को रैंकिंग्स पे अलग अलग प्राइजेस दिए जाएंगे। टॉप 3 रैंकर्स के लिए अलग प्राइजेस होंगे, वी विल बी हैविंग डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन फॉर रैंक्स फोर्थवेयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अन अकेडमी के नए बैचेस स्टार्ट हो गए फ्रॉम द 4th ऑफ ऑगस्ट। द बैचेस दैट वी आर स्टार्टिंग विल इंक्लूड 2021-22-23, जहाँ पे जो 22 और 23 के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके जो बैचेस हैं। अच्छा, एक बार मेरे को प्लीज बता दो इफ द ऑडियो एंड द वीडियो इज क्लियर। हेलो अतुल्या, संदेगा, कनिष्का, बेसिक्स, शालिग्राम, एमएम, आकाश, एको ज्यादा आ रही क्या? आई रिड्यूस द वॉल्यूम, मैनेजेबल, इज इट मैनेजेबल नाउ? गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। एको इज मैनेजेबल नाउ? परफेक्ट परफेक्ट, चलो। सो 2023 एंड 2022 के जो बैचेस है वो 1 ईयर इंटरव्यू के हमारे बैचेस है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्लाइड बफर विल बी देयर, 5 सेकेंड का रहता ही है। And don't worry about that. जो ये वाला पार्ट आएगा वील हेल्प यू विद इट ऑल्सो। हेलो अर्पित, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल। हेलो आकाश, हेलो शोभित, हेलो प्रांशु, गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। 2021 के जो बैचेस आ रहे हैं वहाँ पे हम प्रीलिम्स, स्कोर बूस्टर, एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश एंड बायलिंगुअल में अलग अलग कोर्सेज भी विल बी रनिंग, ठीक है। सो कमिंग टू द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन इन द कमेंट्स, आई बी रनिंग द क्वेश्चन, आई बी रीडिंग द क्वेश्चन आउट अलाउड। कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए, पिन बी इन द कमेंट्स, आई हेल्प यू विद द सेम। बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द स्केड्यूल टुमारो, 10 बजे और 1 बजे, 10 AM एंड 1 PM वी विल बी हैविंग द एक्सप्लेनर सीरीज, जहाँ पे 2 टॉपिक्स में डिस्कस कराऊंगी। कौन से टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे आज शेयर कर दूंगी। इसके अलावा वी विल बी हैविंग द क्लास एट 8 PM। इस 8 PM वाले क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वालिटी रिविजन, जहाँ पे 10 डेज में लक्ष्मीकांत को कैसे रिवाइज करना, एक एक चीज हम लोग लेकर आएंगे, 10 डेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे। हेलो वारुण, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। पोस्ट दैट वी विल ऑल्सो बी हैविंग अ क्लास एट 12 PM, जहाँ पे हम लोग DMQ डिस्कस करेंगे। बट जो DMQ क्लास दैट वी विल बी हैविंग विल बी ऑन दी स्पेशल क्लासेस इटसेल्फ। DMQ के 3 क्वेश्चन भी मैं आज पोस्ट कर दूंगी इस क्लास के बाद, यू कैन राइट दी आंसर्स एंड वील डिस्कस, ठीक है। बेसिक्स इस, अच्छा चलो, तो दिस इज अ मिनिमम ऑडियो दैट आई हैव डन फॉर माय एंड, अभी ज्यादा कम करने को मत बोलना, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, एंड आई विल स्पीक स्लो ऑल्सो ताकि एको का इशू ज्यादा ना लगे। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। First question reads that in the Junagarh inscription, which amongst the following Saka ruler achievements have been highlighted? Out of the given 4, कौन से ruler का जो inscription है, कौन से ruler का जो achievement है वो दर्शाया गया है? मोगा, एजी, रुद्रमन या नहापना? We have to tell out of the given 4, which is the correct answer. I know that Devesh, but it's okay. आज के लिए काम जला लेते हैं। From the coming week, we'll be having all the MCQ classes on the app itself. ठीक है, जैसे हमारे 2:30 बजे वाला slot है, 5 बजे, we will have the classes on app itself. So we have majority people answering C over here. And guys, इसपे poor option नहीं आता, ठीक है? So correct option इसका है C, absolutely right for all the people who have marked Rudra Raman. ठीक है, तो मिलिट्री अचीवमेंट्स, टेरिटरीज एंड मेनी पर्सनल क्वालिटीज ऑफ रुद्रमन आर हाइलाइटेड इन द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे 180 में इसको लिखा गया था, एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शंस व्हिच हैज बीन रिटन इन संस्कृत। क्लियर टिल हियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया, एक बार प्लीज बता दो, येस नो, परफेक्ट परफेक्ट, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the revenue department of Mauryas, who among the following was in charge of collection of all the revenues in the empire? Out of the given 4, आपको ये बताना है who was in charge of the collection of all the revenues in the empire? Sanidhatri, Pradeshta, Yukt या Samahatra? Out of the given 4, which is the correct option?
आई थिंक गाइस अब तो मैनेजेबल हो जाना चाहिए. इस साल ना वॉल्यूम कम हो सकते हैं, पंखे का तो प्लीज मत बोलो. ठीक है, सो वी हैव मेजोरिटी पीपल आंसरिंग एज बी. प्रदेश का बहुत सारे लोगों ने आंसर करा है. ठीक है, अर्पित हैज आंसर डी. वी हैव समाथरा आल्सो बी और डी में द पोल इज डिवाइडेड. ओके, लेट्स सी अ फ्यू मोर आंसर्स, देन वी विल बी डिस्कसिंग. तो मेजोरिटी लोग बी या डी में ही डिस्कस कर रहे हैं. अहल्या ने भी डी आंसर करा है. परफेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है गाइस. आई थिंक टू या थ्री पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली. वी हैव रुद्रांशु, अर्पित एंड अहल्या आंसरिंग की. और मेरे को जहाँ तक याद है हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है. वी हैव डिस्कस द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने एंशियंट इंडिया कवर करवाया था. वी हैव अनुराग, संतिका, विवेक ऑल्सो आंसरिंग डी. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में इट वॉज समहर्ट, हु वॉज द चांसलर ऑफ एक्सचेकियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैव समहर्ट, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेवेन्यूज इन द एम्पायर. क्लियर टू हियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया? अच्छा, ऑल्सो गाइज कैन क्विकली यू गाइज टेल मी ऑडियो वीडियो इज क्लियर. अमात्या वॉज द प्राइम मिनिस्टर, आई मीन अमात्या जो होता था प्राइम मिनिस्टर होता था. ठीक है, आई डोंट थिंक बफरिंग का इशू आ रहा है. क्लियर है ना स्क्रीन? हाँ, बिकॉज आई कैन सी साइड बाई साइड, मेरे फोन पे भी द सेशन इज गोइंग ऑन, बफर नहीं हो रहा अभी, सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं. संध्या का एक बार रिफ्रेश करके या तो ज्वाइन कर लो. विवेक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का लैग है तो होगा, उतना तो आता है. ठीक है, उतना उतने से काम चला लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन 4 स्टेटमेंट्स. इसमें से कौन सा ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, वो आपको बताना है. We have Jorbe culture was most prominent in Maharashtra. Second hai, Hathunora is a site where a true hominid fossil was found. The earliest evidence of rice cultivation has come from Belan Valley, and the people of all the sites in Rajasthan during the Neolithic age were aware of the bricks. So aapko batana hai isme se kaun sa sahi hai. Quickly, quickly. So out of the given 4, you have to tell which of the following is the incorrect statement. So we have MM very excitedly answering D, Shatir answering D, Mr. Patel answering A, Basics answering D excitedly, Santhika answering D. Absolutely right guys, correct option is iska D. So I think the giveaway over here would be all sites, ठीक है, क्योंकि all sites mention करा हुआ है. That is like a red flag. Shobhit has answered D, Atulya has answered D, Divyanshu has answered C, Abhi has answered D, Devesh passed the question, Akash D, Vivek, Anurag, all D. Okay, so correct option is D hai. The people of all sites during in Rajasthan during the Neolithic period specifically, they were aware of the bricks. D incorrect kyun hai? Kyunki Yilund jo jagah hai, wahan ke logon ko Rajasthan ke aware nahi the bricks ke bare mein. Clear till here? Doubt, query, question, confusion. Hello Shaw, good evening, welcome to the class. I think ye third or fourth question hai. We still have a lot more to do. Theek hai? सेकेंड क्वेश्चन नहीं आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक रिलीजन. तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक रिलीजन. फर्स्ट स्टेटमेंट, दे डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड बिलीव्ड इन वन सुप्रीम गॉड. इंडीड द वैदिक गॉड वॉज क्लासिफाइड इन टू 3 कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल, एटमोस्फेरिक, सेलेस्टियल. पीपल यूज टू वर्शिप ऑफ स्पिरिचुअल रीजन. तो लोग जो वहाँ पे वर्शिप करते थे, दे डिड दैट फॉर स्पिरिचुअल रीजंस. वी हैव ओके, सो बेसिक्स हैज आंसर 4, डी, नन ऑफ द अबव. अच्छा सॉरी, आप क्वेश्चन नंबर बता रहे हो क्या? अतुल्य हैज आंसर सी, अर्पित हैज आंसर बी, सायंतिका हैज आंसर डी, एमएम हैज आंसर डी, शितिज हैज आंसर ए. अच्छा सेकंड वाला, समर्थ वाला. ओके, सुष्मिता हैज आंसर डी, शॉ हैज आंसर डी, अपनी हैज आंसर डी, अर्पित बी, जयश्री बी, मोहित बी, करिश्का डी. सो गाइस करेक्ट ऑप्शन इसका है सी. विच very few people have marked it. I think एक अतुल्या ने mark करा है, बाकी majority people have marked D for this one or B. C incorrect इसका इसलिए है क्योंकि these were the people who worship for the welfare of praja and pashu. This is ancient history guys. आर्य शर्मा में NCERT में जो ancient India वाली NCERT उसमें दिया हुआ है, ये specifically mention है कि इस reason की वजह से early Vedic period में ही लोग pray करते थे. पहला reason होता था for the praja, that is the people, and for cattle. ठीक है, सो फॉर कैटल एंड पीपल दे यूज टू वर्शिप. जितनी भी प्रेयर्स होती थी दे वो फॉर कैटल एंड पीपल. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई थिंक मेजोरिटी लोगों को क्लियर हो गया होगा ना. परफेक्ट, आइडल्स मिले थे, आइडल्स वर देयर, एब्सोल्युटली परफेक्ट. सो जब हम अरे अर्पित, जब हम
एग्जैक्टली कमिंग टू द पार्ट, हम टेरेस्ट्रियल एटमोसफियर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो हम वेदिक गॉड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग एटमोसफेयरिक, हम वायु पवन इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड कमिंग टू द पार्ट, नहीं सॉरी, एक शो कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑल्सो, इन द अर्ली वेदिक पीरियड देर वर नो आइडल्स दैट वर फॉर्म, ठीक है। अब समझ आ गया, इट्स ओके अभिषेक, आई थिंक सेवेंथ क्वेश्चन होगा ये, यहाँ तक क्लियर हो गया डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन। एग्जैक्टली, तो इंद्र पवन जो मिले बस हम लोगों ने नाम उसका रख दिया ना, टेरेस्ट्रियल एटमोस्फेरिक एंड सेलेस्टियल में, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको रिलेटेड टू स्मृति एंड श्रुति लिटरेचर विच आर रिलेटेड टू वेदिक लिटरेचर, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। सो यू हैव टू टेल द राइट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट रीज, एंटायर स्मृति लिटरेचर इज पोस्ट वेदिक लिटरेचर, एंटायर श्रुति लिटरेचर इज वेदिक लिटरेचर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस करेक्टली। एमएम नहीं था आइडल्स, वही मैंने बताया, देयर वर नो आइडल्स थे, दे बिलीव्ड इन नेचर वर्शिप, तो नेचर वर्शिप में आइडल्स के लोगों को जरूरत ही नहीं होती थी। सो वी हैव अतुल्या आंसरिंग ए फॉर दिस क्वेश्चन, कनिष्का आंसरिंग डी, बेसिक्स हैज आंसर डी, अभिषेक हैज आंसर डी, ज्योति श्री हैज आंसर डी, क्षितिज डी, सुष्मिता डी, अग्नि डी, सांतिका सी। ओके, करेक्ट ऑप्शन का ए है, विच नो वन हैज आंसर्ड अभी तक, majority people have taken a guess on B and C. हाँ, so coming to the next question, अगर हम बात करें, श्रुति is the most revered body of sacred literature which is considered to be product of divine revelation. श्रुति के जो work है, जितना भी part है, this is something which is considered to have been heard and transmitted by the earthly sages as contrasted to Smriti which is remembered by ordinary human being. तो Smriti जो है, that is the post Vedic literature. Clear till here? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया, आकाश हैज वेरी एक्साइटेडली आंसरिंग। और मैं इसके, आई हैव नॉट जस्ट द एमसीक्यू, मैंने ये टॉपिक भी कराया हुआ है, श्रुति स्मृति लिटरेचर भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया, परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आई थिंक इसमें डी वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा छुप रहा होगा, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। एंटायर नहीं, देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ना, स्मृति लिटरेचर पोस्ट वेदिक है, तो इट इज स्मृति लिटरेचर विच इज पोस्ट वेदिक, इट इज क्लियर, ठीक है। हम श्रुति लिटरेचर की बात करते हैं, अ पार्ट ऑफ इट इज, श्रुति लिटरेचर में कुछ पार्ट ऐसा है विच इज प्री वेदिक ऑल्सो, ठीक है, इट इज वेदिक लिटरेचर बट अ पार्ट ऑफ इट इज बिफोर दैट ऑल्सो, क्लियर। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ता एम्पायर अंडर समुद्रगुप्त इज नॉट करेक्ट, सो आउट ऑफ द गिवन फोर यू हैव टू टेल, आउट ऑफ द गिवन फोर कौन सा वाला इनकरेक्ट है रिलेटेड टू समुद्रगुप्त, ठीक है। नहीं, एंटायर तब भी नहीं बोल सकते, जब हम एंटायर की बात करते हैं तो दैट कम्स एज 100%, इवन इफ इट इज 90% देयर ना, हम तब भी उसको एंटायर नहीं बोल सकते, तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, हेंस इट बिकेम रॉन्ग, ठीक है। So the three statements read, Prayag Prashasti of Samudragupta composed by his court poet Harisena is engraved on an Ashokan pillar at Alava. Samudragupta was the first Gupta ruler to have exercised direct administrative control over western and southern India. Samudragupta carved out an extensive empire, which is evident from the fact that he had performed an Ashwamedh sacrifice and none of the above statements. Coming to this question, we have C, D, B, B, A, B, B. में मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों ने ए आंसर करा है, कुछ ने बी आंसर करा है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, द समुद्रगुप्त वाज़ द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू हैव एक्सरसाइज्ड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ही वाज नॉट द फर्स्ट रूलर, क्लियर। डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ में आया, शो फ्रॉम टुमारो इट विल बी ऑन द ऐप इटसेल्फ, डोंट वरी अबाउट दैट, आज थोड़ी सी देर टॉलरेट कर लो, ठीक है, आई होप बाय 7:45-8 वी विल बी एबल टू वाइंड इट अप, ठीक है। Clear till here? हाँ, अभिषेक, there are two अभिषेक्स in the class, so please don't mind. So B is में incorrect है. समुद्रगुप्त हमने incorrect पूछा था ना, so समुद्रगुप्त was not the first Gupta ruler to have exercised direct control over western and southern India. ठीक है? हाँ, not correct पूछा है, भाई बोल रही हूँ निवेश, not correct पूछा है, समुद्रगुप्त was not the first one. इसीलिए, ठीक है? Perfect. चलो अगला क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विद रिगार्ड टू अर्थशास्त्र इज और आर करेक्ट, इट एडवोकेट्स फॉर अ स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, सर्व्ड एज अ स्टैंडर्ड रूल बुक फॉर मोस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन डायनेस्टीज, आउट ऑफ द गिवन टू स्टेटमेंट्स आपको बताने कौन सा सही है, फर्स्ट वॉज चंद्रगुप्त, एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, शो चंद्रगुप्त, आई नो आप इज बेटर, अब क्या कर सकते हैं, फॉर टुडे जस्ट टॉलरेटेड, ठीक है, मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा ही नहीं है, ये इनकरेक्ट है एक्चुअली, ये दिस इज इनकरेक्ट,
ठीक है, इसकी जगह करेक्ट वाले थे इनके फादर, यहाँ पे चंद्रगुप्त आना चाहिए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आना चाहिए। चलो आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव मेजोरिटी पीपल आंसरिंग सी, कुछ कुछ लोग ए और बी में भी आए हैं आई थिंक, है ना। सो सी ए बी इज व्हाट मेजोरिटी ऑफ यू गाइज आर गोइंग फॉर। करेक्ट ऑप्शन इसका है ए, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इट एडवोकेट्स फॉर अ स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मेक सेंस। बी वाला तो लॉजिकल है ना, जहाँ पे इट सर्व एज अ स्टैंडर्ड रूल बुक फॉर मोस्ट एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज, वाई इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इवन डिस्कवर्ड। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट फॉर द पीपल हु हैव आंसर्ड इट एज ए, ए सही है इसमें। अर्थशास्त्र वॉज इंटेंडेड एज अ गाइड बुक फॉर द किंग टू हेल्प हिम कंट्रोल बोथ द पीपल इन द किंगडम एंड द सराउंडिंग स्टेट। अर्थशास्त्र के जो फंडामेंटल अजम्पशंस थे कि किंग के पास सारी पावर रहनी चाहिए, ही कैन डू इट इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स टू रिटेन इट। किंगडम के अंडर कौटिल्य ने एडवोकेट करा था कि स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड ऑल दो अर्थशास्त्र बाइबल था किसी हर इंपॉर्टेंट इंडियन डायनेस्टी के लिए, कोई भी इंडियन डायनेस्टी इसको फॉलो ही नहीं कर पाई। इसके जितना भी पॉलिटिकल फिलोसफी वाला पार्ट है वो बाद में जाके आया या बाद में जाके लोगों को पता लगा। क्लियर चल गया? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझा? एग्जैक्ट, मैक्सिमम डायनेस्टीज ने फॉलो ही नहीं किया किया था अर्थशास्त्र को, बिकॉज दे कुड नॉट नो अबाउट इट, या बहुत बाद में इसके बारे में पता लगा। जितना भी डिटेल फिलोसफी है, प्रैक्टिसेस है जो एंशियंट मिडिवल इंडिया में थे, वो हम कंटेम्प्रेरी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से डिसर्न कर सकते हैं। परफेक्ट। इकोनॉमिक्स ही जब हम बात करते हैं एमएम, तो अर्थशास्त्र इज द हिंदी नेम फॉर इकोनॉमिक्स। कमिंग टू द बुक जो कौटिल्य ने लिखी थी, इसमें बहुत कुछ था। दिस वॉज बेसिकली पोलिटिकल ट्रीटाइज जो कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू अपभ्रंशा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। डेवलप फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज बट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म ऑफ संस्कृत ग्रामर, इट इज अ डायरेक्ट प्रीकर्सर टू द मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज। आई थिंक स्टेटमेंट्स राइट अवे नितिन सिंघानिया में दिए हुए हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड इट। ठीक है, सो शो हैज आंसर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, शोभित हैज आंसर सी, बेसिक्स हैज आंसर सी। Let's wait for 5 to 10 more people to answer, then discuss. Santika C, Joyshree, Jyotishree C, okay, Arpit C. This is an easy question, right? Atulya B, PP has answered C. Majority people are going with C. Palak has also answered C. MM has no idea. Correct option is C है guys. अपभ्रंशा का मतलब होता है fallen away, जो कि एक important northern Indian Prakrit language है, which is one of the vernacular languages जो naturally developed हुई थी संस्कृत से। It was the latest addition to the Middle Indo-Aryan languages, considered a direct precursor of early modern Hindi, और साथ ही साथ में 12th century के time पे ज़्यादा prominent और established हुई। Although इसका status संस्कृत से कम है, nevertheless एक important regional literary language है। Clear till here? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन। परफेक्ट परफेक्ट। हम डायरेक्ट प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, एंड एब्सोल्युटली राइट सेंटर का, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ दिस वाज इन न्यूज़ एमएम, ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। नन ऑफ दिस वाज इन न्यूज़, ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर लॉट पे मैं अभी आऊंगी, पहले ये वाला खत्म करने दो, उसके बाद वी विल कम टू दैट। चलो अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग कल्चर्स, तीन कल्चर दिए हुए हैं, आहार कल्चर, कायात कल्चर, मालवा कल्चर। आपको इन तीनों में से बताना है चालकोलिथिक फेज से कौन सा रिलेटेड है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस करेक्टली। यस नो, लेट्स सी, सो वी हैव बेसिस हुज आंसरिंग सी। ओके, शोभित हैज आंसर बी, शॉ हैज आंसर बी, देवेश हैज नो आइडिया, प्रिया हैज आंसर बी। अभी तक सी और बी में पोल जा रहा है। संतिका हैज आंसर ए, पीपी हैज आंसर बी, अतुल्य हैज आंसर ए, ज्योतिषी हैज आंसर बी, मोहित हैज आंसर सी। ओके, लेट्स वेट फॉर 5 मोर पीपल टू आंसर, देन लेट्स मूव अहेड। सो 2 पीपल हैव आंसर डी, अभिषेक एंड अर्पित। ओके, शॉ हैज आंसर, ओह ही आंसर से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्षितिज हैज आंसर बी, विवेक इज आंसर डी, रुद्रांश इज आंसर डी, अनदर अभिषेक इज ऑल्सो आंसर डी। करेक्ट ऑप्शन डी है गाइस, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तीनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं रिलेटेड टू दी चालकोलिथिक कल्चर, आहार राजस्थान में बलाथल गिलुंड एक्सेट्रा इसका पार्ट है, कयात कल्चर लोकेटेड नियर चंबल एंड द ट्रिब्यूटरीज, मालवा कल्चर जो कि नर्मदा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है गुजरात में वहाँ पे लोकेटेड है। क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, एब्सोल्युटली राइट गाइस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, विक्रमशिला, कांचीपुरम, उदंतापुरी, वाराणसी, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट सीट है लर्निंग का? आफ्टर द गिवन फोर्ट, इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट सीट था लर्निंग का? आफ्टर द गिवन फोर्ट, सो क्विकली क्विकली टेल. हेलो शिवज्योति, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेल. इट्स ओके, डोंट वरी, पीडीएफ सबके साथ शेयर हो गया द एंड ऑफ द क्लास. वी हैव शोर हैज ए बेसिक, दैट्स अ गुड थिंग. देवेश हैज आंसर बी, शोभित हैज आंसर ए, शुभिच डी, अतुल्या ए, संतिका बी, एमएम की भी काफी सारे गलत है. ओके गाइस, गलत हो रहे थे, डोंट गेट डिसहार्टेड, एटलीस्ट यू नो कि एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करने का टाइम आ चुका है. बेसिक्स हैज आंसर डी, पीबी पीओसी में कंफ्यूज, ज्योति श्री डी, अर्पित डी, बब्लू हैज आंसर सी, मोहित हैज आंसर बी. करेक्ट ऑप्शन है इसका ए गाइस, 1 और 3 ओनली. वी हैव विक्रमशिला एंड उदंतीपुरा जो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, 1 और 3. ठीक है, विक्रमशिला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाल, वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन इंडिया, अदर देन नालंदा. कांचीपुरम वन ऑफ द 7 सेक्रेट सिटीज में आता है जो कि अपनी सिल्क फैब्रिक साड़ीज टेम्पल्स के लिए फेमस है. बनारस दैट इज वाराणसी एंड कांचीपुरम दोनों ही सीट्स नहीं थे बुद्धिस्ट लर्निंग के. एंड द लास्ट ब्रिज सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग वॉज फाउंडेड बाय पाला किंग वॉज जगदाल इन वेस्ट बंगाल. क्लियर टिल हियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं आया? यस नो? अगेन, सारनाथ के पास है बट स्पेसिफिकली वाराणसी में नहीं है ना. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट लर्निंग के सीट, हम लोग बुद्धिस्ट कल्चर से पार्ट उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग कि किस तरीके से इसमें से बुद्धिस्ट सेंटर्स थे, जैसे नालंदा में स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट मंक्स को ट्रेन किया जाता था, या उनसे उनके जो मेजर सीक्रेट टेक्स्ट थे, रिचुअल थे, वो पढ़ाए जाते थे. ये कांचीपुरम में और वाराणसी में नहीं, वाराणसी में नहीं होता. ठीक है, समझ आ गया? जिसका भी ये डाउट है कि क्यों बनारस होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू सारनाथ. डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, यस नो? परफेक्ट परफेक्ट, हाँ एग्जैक्टली. तो वहां पे स्तूपा है, स्तूपा स्तूपा हैज गॉटन नथिंग टू डू विद द लर्निंग साइट्स. सो इवन इफ इट इज स्तूपा ना, वहां पे अगर कुछ भी है, सर्मन है या कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता. इट हैज टू बी अ लर्निंग सीट कि जहां पे उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता हो, व्हिच वाज नॉट डन इन कांचीपुरम एंड बनारस. ठीक है, ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, 5, 3, 11, 14. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. वी हैव दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू, आई थिंक अभी टाइगर डे जो सेलिब्रेट किया गया था उससे रिलेटेड, उसकी वजह से न्यूज में था. We have Shaw who's answered C. So majority people 11 answer कर रहे हैं, कुछ एक दो लोगों ने, I think somebody answered 14 also here. Even if it means place of learning, Arbit, ये चीज समझो, specifically वहाँ पे specifically Buddhist teachings were not prominent there. ठीक है, coming to the part, correct option इसका D है guys, 14. UPSC इतना easy नहीं पूछेगा, but state PCS पर पूछ सकता है. Correct option इसका D है guys. On the occasion of International Tiger Day, भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर है फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने स्टेट करा था कि 14 टाइगर रिजर्व है इंडिया में जिसको एक्रेडिटेशन मिला है ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स का. 14 टाइगर रिजर्व कौन से भी है? मानस काजीरंगा असम से, सतपुरा कान्हा पन्ना एमपी से, पेंच महाराष्ट्र से, वाल्मीकि बिहार से, दुधवा यूपी से, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, परम्बिकुलम इन केरला, बांदीपुर कर्नाटक, मुधुमलाई एंड अनामलाई ऑफ तमिलनाडु. एंड जो सी ए टी एस का एक्रेडिटेशन होता है वो क्या है? द बेस्ट प्रैक्टिस एंड द स्टैंडर्ड जिसके तहत टाइगर कंजर्वेशन और उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, दैट इज वर्किंग. क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कोई ऐसा पार्ट यहाँ तक नहीं समझ आया? परफेक्ट परफेक्ट. चलो अगला क्वेश्चन. सोरा इज अ टाउन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? एंड यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आएगा व्हाई वाज इट इन न्यूज, मैं एक्सप्लेनेशन में बता दूंगी. सो क्विकली आंसर, आउट ऑफ द गिवन फोर, सोहरा जो जगह है क्यों था न्यूज में? सो आई थिंक अगेन 10 क्वेश्चन दैट वी हैव करंट अफेयर से रिलेटेड है. सो वी हैव एमएम हुज आंसर मेघालय. ओके, विवेक हैज गिवन थम्स अप. शॉ हैज आंसर सी, शोभित हैज आंसर डी, संतिका हैज आंसर सी. मेजोरिटी लोग सी एंड डी में जा रहे हैं यहाँ पे, आई कैन सी. दीक्षा हैज आंसर सी, रुद्राक्ष बेसिक, अभिषेक, अनादावान, विवेक
मेजोरिटी लोग सी में जा रहे हैं, एक दो लोगों ने आई थिंक ए आंसर करा है, बी और सी भी मेजोरिटी लोग इसे करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। सोरा इज ऑल्सो नोन एज चेरापूंजी, इज अ हाई ऑल्टीट्यूड टाउन इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली लॉन्च किया था ग्रीन सोरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन, वेर इन ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द ग्रेटर सोरा वाटर सप्लाई विच विल एंश्योर की एफॉरेस्टेशन कैंपेन जो रन होगा बाई द मेघालय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ असम राइफल्स। क्लियर टिल हियर? नाउ क्वेरी क्वेश्चन कंक्लूजन एनीवन टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सी स्ट्रेट अगर वन लाइनर्स की बात करें ना, कभी कभी यूपीएससी इतनी ईजी पूछ सकता है। मेजॉरिटी पार्ट में अगर हम बात करें ना फॉर सच क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में दीज क्वेश्चन आर वेरी प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का करंट अफेयर फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स कैन बी आस्क्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रोल्ड आउट अ कस्टमाइज स्पेस डीम मर्केंडाइज प्रोग्राम? ये तो आई थिंक आसान है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस करेक्टली। दो तीन दिन पहले का न्यूज है, दिस इज ऑल 2 to 3 days बैक ऑफ करंट अफेयर जितना मैं यहाँ पे लाई हूँ। सो वी हैव मेजॉरिटी पीपल आंसरिंग बी आई थिंक हियर, राइट? Majority people have answered B for this one. Majority agencies are going with ISRO. Correct option is B है ISRO, जहाँ पे उन्होंने customized space theme merchandise program को launch करा। 8 companies ने register करा with ISRO to undertake the program, जहाँ पे you know various ISRO missions के scale models, t-shirts, space theme, educational games, science toys etc. बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे ताकि we can promote the brand awareness को create कर सके among students, children and public in space, science and technology. Clear till here? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन को ऐसा पार्ट यहाँ पे नहीं समझ आया। बीईएल नहीं बाबा, वाई बीईएल, दिस इज हैज बीन डन बाय इसरो, स्पेस प्रोग्राम है यार। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, ये तो न्यूज में भी था 2 days बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो अगला क्वेश्चन, आजाद की शौर्य गाथा एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? So we have people answering C, A for this one. Okay, so majority लोग का उनको A, कुछ कुछ लोगों ने भगत सिंह भी आंसर करा हुआ है, C भी आंसर आया हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा आसान है गाइस, मेरे को लगा था अच्छा पोल आएगा ये वाला, नाम से ही पता लग रहा है आजाद की शौर्य का था, इट इज फॉर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल ने एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करा था, आजाद की शौर्य गाथा था ऑन द लाइफ ऑफ मार्टिर चंद्रशेखर आजाद, जहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर पर आज में इसको लेकर आए थे। इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ फ्रीडम, और मैंने ये पहले भी बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेट कर रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की वजह से जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं स्पेसिफिकली नेशनलिस्ट रिजीम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड नॉट जस्ट नेशनलिस्ट रूल, उससे पहले भी जितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नो अबाउट इट, नोट इट डाउन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट विजिट कर लो, वहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव करके ना अलग से एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारी सबके बारे में एक छोटा छोटा एक 100 word का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, किससे रिलेटेड कौन सा एग्जीबिशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, डू दैट। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया? कमिंग टू द पार्ट गाइज, इवन इफ सच स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आर नॉट आस्क्ड, इस चीज को ऐसे समझो कि इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन उस वजह से ध्यान में रहेगा। माय पॉइंट ऑफ पुटिंग इजी करंट अफेयर क्वेश्चन इस लॉट में इसलिए है कि इसके बहाने कम से कम दिमाग में रहेगी ये चीज की हाँ आई रेड इट समवेयर एंड दिस वॉज द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेंस एक्सरसाइज बाय 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज व्हिच रिसेंटली कमेंस्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका? Out of the given 4, let's see how many of you answer this correctly. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे जाके देखो संतिका, उसी में एक लाइक ड्रॉप डाउन आता है आजादी का अमृत महोत्सव करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पीपल हैव आंसर बी एंड डी फॉर दिस वन, बी एंड डी में मेजॉरिटी लोग जा रहे हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज डी, एब्सोल्युटली एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 जो कि जुलाई 26 को हुई थी अराउंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, एनुअल मैरिटाइम एक्सरसाइज है व्हिच इज कंडक्टेड टू प्रमोट द नेशनल एंड रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी इन ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन। 2021 का जो एडिशन था उसमें 12 अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा, साथ में यूएस, यूके, इंडिया और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ने, जैसे आईएमओ, यूएनओडीसी, ईयूएनएबी फॉर क्रिमोलिया, यूकैप एटसेट्रा। क्लियर
चल गया हूँ, डाउट मेरी क्वेश्चन कंक्लूजन, और इंडिया की नेबरशिप जो है तलवार, उसने भी पार्ट लिया था काटलेस एक्सरसाइज में। परफेक्ट परफेक्ट, चलो अगला क्वेश्चन। मल्टीलेटरल मल्टी एब्सोल्युटली, बिकॉज इंडिया से तलवार, ये तलवार गई थी, हेंस इट वाज इन यूज, ठीक है। परफेक्ट, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम यू विल हैव टू रीड अबाउट आईएनएस तलवार, कि किस तरीके का नेवल शिप है, क्या क्या इसके फीचर्स है। एटलीस्ट 100 वर्ड्स का एक अपना एक्सप्लेनर या कहीं पे भी शॉर्ट नोट में तैयार कर लेना, ठीक है। इसकी साथ साथ ये भी देख लेना, इस पिछले 1.5 साल में ना कौन से नेवल शिप्स या कोस्ट गार्ड के शिप्स डीकमीशन हुए थे, दोनों चीजें प्लीज जाने ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, ऑल द शिप्स विच वर कमीशनड एंड डीकमीशनड इन द लास्ट 1.5 ईयर्स, ये देख लेना, ठीक है। दोनों कमीशन वाले भी इंपॉर्टेंट है, डी कमीशन वाले, उससे ना आईएनएस तलवार के साथ ही लिख लो, एक साथ याद रहने वाला है। परफेक्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रीन एसईजेड ऑफ इंडिया, पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है इंडिया का। सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचिन केरला, कांडला गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु। इवन द सब एब्सोल्युटली इवन द सबमरीन्स, आई एम श्योर अभी यहाँ पे ऐसा शौक से कोई आदमी होगा। करेक्ट ऑप्शन वी हैव मेजोरिटी पीपल आई कैन से आर आंसरिंग सी। चलो ये आई थिंक 100% कूल आया होगा। अच्छा इसमें भी एक दो लोग हैं बी वाले एक दो लोग ए वाले भी हैं। ओके सो करेक्ट ऑप्शन सी है इसका गाइस, कांडला। सो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया कासेस के नाम से, व्हिच इज द फर्स्ट ग्रीन एसईजेड टू अचीव द आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग, जहाँ पे काजर इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा एंड सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट फंक्शनल एसईजेड सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कास्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात 9 किलोमीटर फ्रॉम द कांडला पोर्ट। क्लियर टिल हियर, डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आउट ऑफ द गिवन 4, कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड, एग्री स्टैक, एग्रो इंडिया, आत्मनिर्भर एग्री एंड किसान स्टैक। और इससे रिलेटेड ना ये चारों चीजें, ये पॉइंट्स लिख लेना कि जो भी इसका नाम है द इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम पोर्टल कौन सा है, ठीक है। मेजॉरिटी पीपल आई कैन सी डी और सी में जा रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, इट इज एग्री स्टैक, ठीक है। हाँ बहुत सारे लोगों को लग रहा था किसान ट्रैक होगा बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, नहीं नहीं इट इज 100% ए, ठीक है। एग्री स्टैक है उसका नाम, एवर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कमेंस करा था अ प्रोजेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एग्री स्टैक व्हिच इज अ डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री, जिसका एम है पहला टू प्रोवाइड गवर्नमेंट एन इफेक्टिव प्लानिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, दूसरा टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट एक नेशनल फार्मर्स डेटाबेस को लेकर आना चाहते हैं जहां पे डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड्स होंगे और पर्सनलाइज सर्विसेज टू द फार्मर्स। क्लियर टिल हियर, डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया। फाइनली दैट हिंदी वाज नॉट दैट प्रॉब्लम, मेरे को लग रहा था मेजोरिटी लोग ना किसान स्टैक ही मार्क करेंगे ये सोच के कि इंडियन गवर्नमेंट है किसान स्टैक ही लेकर आएगी। सबका क्लियर हो गया, परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉल्ट अमाउंट टू विच अ प्री पैक रेजोल्यूशन इज एप्लीकेबल, ठीक है। And because of this, because of the Insolvency Bankruptcy Code Amendment Bill 2021, this becomes very important. ये पूरा Act and ये amendment पढ़ लेना क्यों important है, ठीक है। So we have majority people answering D. एक अर्पित ने B answer करा है, एक दो लोगों ने 10 लाख भी करा है, 10 लाख और 1 करोड़ दो options में जा रहे हैं। We have a C also here. ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा बिहार सावन को संध्या ने 1 लाख भी करे, शोभित हंस नो आईडिया। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है गाइस, लोकसभा ने रिसेंटली पास करा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 का, जो कि आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को रिप्लेस कर देगा, जिसके तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि प्री पैकेजेस देने चाहिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, जो भी एमएसएमई होती है जिसका डिफॉल्ट 1 करोड़ तक का होता है। इस प्री पैकेज प्रोसेस के तहत मेन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी प्रोस्पेक्टिव बायर देखो, नेगोशिएट करो रेजोल्यूशन प्लान बिफोर यू अप्रोच एनसीएलटी। क्लियर टिल हियर, डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, वही तो। अब ये चीज समझो कि सरकार कोई ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, वो कम से कम 50 लाख के तो ऊपर हो गई, ठीक है, वो 50 लाख के तो ऊपर हो गई, हेंस इट विल बी देयर, मतलब फॉर चिंदी अमाउंट इट विल नेवर गेट, हेंस इट हैज टू बी इन करोड़। ओके अच्छा गाइस, ऑल्सो एक बार प्लीज बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहे हैं, लैग तो नहीं आ रहा या बफर या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा वॉइस का इशू रहेगा आई थिंक, थोड़ा एक आ ही रहा है आज, आई हैव बीन ट्राइंग, वो नहीं ठीक हो पा रहा है।
एको अगर पांच आई मीन और लैग अगर 5 या 10 सेकेंड का वो मैनेजेबल है, उससे ज्यादा आ रहा है तो प्लीज अपने इंटरनेट चेक कर लो एंड जस्ट रिफ्रेश इट वंस, ठीक है? परफेक्ट. अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज आउट ऑफ द गिवन 4, कौन सी मिनिस्ट्री का ये मेजर पार्ट है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज? वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू मार्क दिस करेक्टली. ओके श्रॉट, बी ए बी ए में पूल जा रहा है, कुछ कुछ लोगों ने सी भी आंसर करा है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक और आने दो 10 आंसर्स. वी हैव अगेन ए एंड सी में मेजोरिटी पीपल हैव आंसर. करेक्ट ऑप्शन है इसका बी. डू वी हैव एनी बी इन द हाउस? एक आया, एक विवेक का बी आया, एक शॉ का बी था, बाकी सारे एसी वाले थे. सो बी वाला सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विच हैज गॉटन द इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, जहाँ पे हम एक साइकिल फ्रेंडली इनिशिएटिव को लेकर आए हैं पूरे देश में, वेर इन 11 सिटीज को अवार्ड किया जाएगा, जहाँ पे टाइटल होगा इंडिया टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर्स, वेर इन द टॉप 11 सिटीज विल रिसीव अ अवार्ड ऑफ 1 करोड़, जहाँ पे उनकी जो भी साइकिलिंग इनिशिएटिव है उसको वो कैसे बेटर अप कर सकते हैं. क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन एनी पार्ट विच इज अनक्लियर टिल हियर? क्लियर ना? परफेक्ट परफेक्ट. आई हैव नो आइडिया अबाउट हिंदी, दोनों में से कुछ भी, आई हैव रियली नो आइडिया. ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट मुस्लिम रिजेंटमेंट अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. सो आउट ऑफ द गिवन 4, कौन सा मुस्लिम रिजेंटमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बाय द ऑटोमन अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश? द मोपना रायट्स, खिलाफत मूवमेंट, रेशमी रुमाल मूवमेंट, गदर कॉन्स्पिरेसी. तो वी आर आई थिंक अगले जो 10 या 12 सवाल है दे आर रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? एंड उसके बाद वी विल बी डन विद द सेशन, मोस्ट लाइकली बाय 8 वी विल बी एबल टू फिनिश. तो 100% सरकारी, आई मीन दिस इज अ 100% पोल, सबने बी आंसर करा है. एब्सोल्युटली खिलाफत मूवमेंट 1919 एसेंशियली अ मूवमेंट टू एक्सप्रेस द मुस्लिम सपोर्ट फॉर द कैलिफ ऑफ टर्की अगेंस्ट द अलाइड पावर्स ऑफ पर्टिकुलरली ब्रिटेन. क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन के बेसिक 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में तो ये तो रटवा चुकी हूँ मैं. आई एम सो श्योर कि मॉडर्न इंडिया भी स्पेक्ट्रम जो सीरीज खत्म कराई है, खिलाफत एनसीएम से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ये तो कोई गलत नहीं करके आएगा, ठीक है? और सच में अगर ये गलत होता तो मैंने सच्ची क्लास यही बंद कर देनी थी. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वन अबाउट सी आर फॉर्मूला, जो कि सी राजा गोपालचारी ने दिया था. 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताने इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है? सॉरी 3 स्टेटमेंट दिए हैं. पहला है इट फेवर टॉक्स विद जिन्ना एंड मुस्लिम लीग, ठीक है? इट रिकमेंडेड प्लेबिसाइट अमंग मुस्लिम्स वेदर दे शुड फॉर्म अ स्टेट और नॉट. इट फॉर्म द बेसिस ऑफ 1944 गांधी जिन्ना टॉक्स. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस करेक्टली. अर्पित अभी तो ये डिस्कस कर रहा है हम लोगों ने मुगला राइट्स, व्हेन वी आर डिस्कस द एंटायर जो भी ट्राइबल राइट्स और सारे राइट्स हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, एक बार गो एंड वॉच दैट सीरीज, उसमें आई हैव डिस्कस दिस. सो सिंस जिन लोगों ने आज कॉम्बैट दिया है एंड शिवम सिंह की इस पर क्वेश्चन आया था कॉम्बैट में, आई एम होपिंग फिर तो ये सही मार्क करना चाहिए मेजोरिटी लोगों को. और ये काफी डिवाइडेड पोल है डी ए बी सी, सब सब लोगों ने सारे ऑप्शन मार्क करे हुए उसमें, राइट? कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो अनमार्क्ड है. सो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है गाइस, ऑल ऑफ द अबव. ऑब्जेक्टिव ऑफ सी आर फॉर्मूला वॉज की एक जो पोलिटिकल डेडलॉक आ गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में, उसको कैसे भी सॉर्ट आउट करें. लीग का जो पोजीशन था वो ये था मुस्लिम्स एंड हिंदूज और ब्रिटिश इंडिया वर टू सेपरेट नेशंस, इसलिए एक साथ नहीं रह सकते. मुस्लिम्स हैड द राइट टू देयर ओन नेशन. कांग्रेस अपोज करता था इंडिया के पार्टीशन को. कोर प्रिंसिपल सी आर फॉर्मूला का था कि कांग्रेस ऑफर करे लीग को द मुस्लिम पाकिस्तान बेस्ड ऑन प्लेबिसाइट ऑफ ऑल द पीपल्स इन द रीजन विद द मुस्लिम्स मीडिया मेजोरिटी. क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन वी डिस्कस दिस इन द क्लास इटसेल्फ. आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली मैंने सी आर फॉर्मूला पढ़ाया भी है 2 से 3 स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस किया था. क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन ऑल ऑफ द अबव वर करेक्ट, तीनों करेक्ट थे इसमें देवेश. परफेक्ट. चलो अगला क्वेश्चन, consider the following statements. The sole purpose of both the dispatch was to promote Western education through English language at rural level. Universities at Calcutta, Bombay and Madras were established under the Woods dispatch. Out of the given two, आपको बताने कौन सा correct है? नहीं नहीं, अच्छा let me run this with वाला, I'll go slow and I'll repeat that. ये वाला कर लो, फिर मैं अगला वाला बताऊंगी. Solve this one, फिर मैं पिछला वाला repeat कर दूंगी देवेश एक बार.
मेजॉर इसमें करेक्ट पूछा है बाय द वे। हाँ आंसर दिस वन श्रॉ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूंगी। सो मेजॉरिटी लोग इसमें ए बी डी में जा रहे हैं, कुछ कुछ लोगों ने सी मार्क करा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। आई डोंट थिंक आर वन बी आर टू बी आर अतुल्य एंड विवेक आंसरिंग बी, प्रतीक आंसरिंग बी। या सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। सोल पर्पज बुक्स डिस्पैच का था टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन, बट नॉट टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन बट द वर्नाक्युलर एजुकेशन एट द लोकल एंड रूरल लेवल। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया? ये नॉट होना चाहिए, माय बैड ऑन दैट, ये नॉट। कुछ डिस्पैच लेकर इसे आए थे ताकि वर्नाक्युलर को हम लेकर आए। ठीक है, एंड करेक्टली तो पूछा था। ओ सो सॉरी फॉर दैट। अब समझ आ गया डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? कोई भी ऐसे पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया? कौन सा वाला नहीं समझ आया? क्लियर ना? एंड आयुष कौन सा क्वेश्चन समझाना है? थर्ड लाइन किस क्वेश्चन का डियर? इसी वाले में, ये तो आसान है, इसमें क्या नहीं समझ आया? वर्नैक्युलर में घूमे, बट देखो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने डिटेल में पढ़ाई है, दैट इज माय पॉइंट दैट मॉडर्न हिस्ट्री इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी टॉट इन डिटेल। और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ये भी लगाओ, जब हम गुड्स डिस्पैच की बात करते हैं और अगर वो रूरल इंडिया में रूरल लेवल पे कभी भी किसी पार्ट को लेकर आना चाहते हैं रूरल इंडिया में, व्हाई विल दे वांट टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन? ये चीज समझो ना, दे वांटेड टू प्रमोट वर्नैक्युलर लैंग्वेज की मैक्सिमम लोगों को वर्नैक्युलर हम सिखा पाए ताकि ज्यादा पढ़े लिखे हिंदुस्तानी आएंगे तो कंपनी का पैसा बचेगा उनको अंग्रेजों को देने की जगह, यहाँ पे वो एजुकेशन पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Who among the following was the premier of Madras Presidency at the time of India's independence? Out of the given four, P.S. Kumaraswamy Raja, O.P. Ramaswamy Reddiyar, Tanguturi Prakasam, and Kala Venkat Rao, who was the premier of Madras's presidency at the time of India's independence? Next time, Sir Prateek, we'll be having this on an academy only. Don't worry, we'll be having it on app only. A few more questions to go, guys. 10-15 minutes more, then we'll have it on an academy app from tomorrow. Don't worry about that. I'll speak to the team ki we're not having it here. Okay? ठीक ठाक लॉट जा रहा है इसमें, ए बी, ए बी में काफी सारे पोल जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। ओपी रामास्वामी रेड्डी, जिसको ओमंदूर रामास्वामी रेड्डी भी बोला जाता था, ही वाज द प्रीमियर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। आफ्टर दैट कुमारस्वामी राजा सर्व्ड एज द सीएम ऑफ मद्रास। क्लियर टिल हियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? एंड आयुष द बेस्ट बुक इज इधर बिपिन चंद्रा 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी और ये क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की जो है। ठीक है, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कुका मूवमेंट। तीन स्टेटमेंट दिए कुका मूवमेंट से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। कुका रेफर्स टू अ ट्राइब ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड मेनली टू सीक प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म, जवाहर मल एंड राम सिंह वर द टू लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये तो मैं करा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट श्रॉ, सेम टू यू। देवेश इज आंसर डी, हरीश इज आंसर डी, हेलो अमित गुड इवनिंग वेलकम टू द क्लास, कौस्तुभ हैज आंसर बी। एब्सोल्युटली आयुष, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। मेजॉरिटी लोग इसमें डी आंसर कर रहे हैं, एक दो लोगों ने बी पे टिक करा हुआ है, इफ यू हैव वन आंसरिंग इज ए ऑल्सो। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है गाइस। डू वी हैव एनी बीज इन द हाउस? आई थिंक वन, अतुल्य हैज आंसर बी ओनली, एक ऊपर भी आई थिंक किसी ने कहा था अभिषेक हैज आंसर। सो अगर हम इसकी बात करें, कुका वॉज अ रिलीजियसली पोलिटिकल मूवमेंट जो कि पंजाब के बालक सिंह, पंजाब में हुआ था। बालक सिंह वॉज द पर्सन वॉज बॉर्न इन विलेज अटोक 1799 में। ही स्टार्टेड प्रीचिंग अर्ली इन लाइफ और ऑब्जेक्टिव उनके प्रीचिंग्स का होता था जो रिलीजियस प्योरिटी है सिखिज्म की, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। मेन बेस था हजरों में, एंड आफ्टर भगत डेथ, आफ्टर वी हैड जवाहरलाल डाइड, बालक सिंह कैरिड द लेगेसी। लेकिन जो रियल स्टार्टिंग थी कुका मूवमेंट की, द वन दैट वी नो ऑफ, that was done by Baba Ram Singh. Clear till here? Doubt, query, question, confusion? It was Punjab only before 1947. But मैंने लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे था North NWFP में। ठीक है? Clear हो गया? Doubt, query, question, confusion? इसीलिए वो नहीं था। That's why one is wrong. That's why one is wrong. Specifically किस part में था मैंने वो भी लिख दिया। Clear till here?
प्रेजेंट स्टेट ऑफ पंजाब जो है वहां पे आता है, ना कि NWFP में, बिकॉज इट वॉज इन द स्टेट ऑफ पंजाब इटसेल्फ, डिस्ट्रिक्ट अटोक, इट वॉज इन इन NWFP, ठीक है, NWFP में नहीं था पूरा। अब समझ आ गया, शौक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का खेला जो हमेशा खेलती हूँ मैं। आई थिंक क्लास थोड़ा सा अटक रही है इस टाइम, थोड़ा सा नेटवर्क लैग आ रहा है, थोड़ा टॉलरेट कर लो। एंड आयुष, आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं प्लीज आर योरसेल्फ टू द टेलीग्राम चैनल, आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट रीड्स, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड एट द सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज विजया लक्ष्मी पांडे। ये गलत कराना, जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं कल से आना मत। दिस इज अ सुपर इजी क्वेश्चन, मेजॉरिटी पीपल आई कैन सी हैव आंसर्ड ए, एक तो लोगों ने बी आंसर करा है। सच में ये गलत हुआ तो यूपीएससी शॉ सीरीज की यू हैव आंसर दिस, मे बी नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कम ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर करना है भाई। रुद्रांशु सीरीज डी नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है गाइस, इट वाज नॉट विजया लक्ष्मी पांडे, इट वाज सरोजनी नायडू। व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस, इतना आसान क्वेश्चन है। The first Indian woman to preside at the Congress session of INC was Sarojini Naidu, and the first ever woman president was Annie Besant. ये तो मैं रटवा रटवा के बताया है बाबा, how many times we'll have to go through it? It's such an easy question, come on guys. चलो अगला question, हाँ coming to the next question, identify the famous movement in India's freedom struggle with the help of given information. तो ये जो छोटी सी कहानी दी गई है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन, किस पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड दी गई, तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एंड कमिंग टू द पार्ट, आयुष टेलीग्राम चैनल का लिंक कोई नीचे प्लान कर देगा, आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है। दैट वेरी वेल कैन हैपन देवेश, ठीक है। चलो कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, movement was a declaration of right to self government of the Dominion variety. The movement was featured by widespread hartals, strikes and out and other outbreaks. Iska naam tha Great August Uprising, theek hai, and within a week's time after the launch of movement, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, many leaders were sent in. To ye jo puri story hai kis movement se related hai, CDM, Quit India, NCM ya Khilafat. Actually mujhe NCM Khilafat ek hi saath karna chahiye, to CND, my bad. So majority people have answered B for this one. Finally, I'm proud of one answer. Thank you. 100% goal आया. अच्छा इसमें भी 100% नहीं है, एक दो लोगों ने A लगा दिया है इसमें भी. So B is the correct one. Quit India movement. July 1942 में Congress Working Committee जो थी वो वर्धा में मिली. एक resolution pass हुआ that the British rule in India must end immediately. Outcome ये था that Gandhi's himself lenient attitude changed and ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जापानीज वर ट्रायंफिंग इन द वॉर सिंगापुर मलया में, बट दे हैड आउटरन बर्मा इन इंडिया, द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वाज एन इनविटेशन ऑफ ब्रिटिश जापानीज इन्वेजन, इसलिए बर्दा रेजोल्यूशन में क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया गया और अगस्त क्रांति मैदान से इसको सैंक्शन किया गया। क्लियर टिल हियर, डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया, परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, Which of the following are the principles of Arya Samaj? चार principles दिए आपको बताने, इसमें से कौन सा principle है? अच्छा, we have the Vedas are the only source of truth and its studies absolutely necessary. Prohibition of idol worship, support to widow remarriage in certain circumstances, opposition to reincarnation theory of God and religious pilgrimages. आपको बताने आपको तो given four कौन सा सही है? Given four quotes में से क्विकली क्विकली गाइस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसके बाद, मुश्किल से चार पांच क्वेश्चन और होंगे इसके बाद, ठीक है। आई कैन सी यू गाइस आर गेटिंग लो ऑन एनर्जी बिना बोले कुछ, सो वी हैव डी बी मेजॉरिटी आंसर्स, कुछ लोगों ने सी भी मार्क करा है, सो डी बी सी के बीच में आंसर इज लाइक ड्विंडलिंग। वी हैव ए ऑल्सो ओवर हियर, अगेन कुंतल हैज आंसर वन एंड टू, Correct option is particular का है D. All of the above are correct with respect to this particular question. Majority poll D ही गया है इसमें. तो there are 10 principles of Arya Samaj. ठीक है, 10 principles Arya Samaj के होते हैं. Vedas are the only source of truth and therefore the study of Vedas is absolutely necessary. Recitation of the mantras of Vedas and performance of yajnas. Opposition to idol worship.
faith in theory of karma and transmigration of soul, faith in theory of one God who has no physical existence, opposition to reincarnation theory of God and religious pilgrimages, opposition to child marriage, polygamy, female education में belief, support करना midwifery marriages को certain condition, propagate करना हिंदी और संस्कृत को. Easy? Clear till here? Doubt, query, question, confusion, कोई ऐसा part जो नहीं समझ आया? Perfect. चलो अगला question. Consider the following societies or schools, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड सत्य शोधक समाज. इसमें से कौन सा रिजेक्ट करता था अथॉरिटी वेदास की? आउट ऑफ द गिवन फोर आपको ये बताना है वेदास की जो अथॉरिटी है, विच वॉज इट, वाई वॉज इट रिजेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. अभिषेक, आई के नॉट रिसाइज द साइज ऑफ माई वीडियो राइट इन द सेशन, तो द पार्ट इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. वी हैव आंसर्स कमिंग एट बी, अक्षय ने करा, आयुष्मान डी, शॉ सी, पी बी सी, दिवेश बी. मेजोरिटी लोग बी और सी आंसर कर रहे हैं इसका. करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर का सी. ठीक है, दैट इज 3 and 4 ओनली. प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज जो था, दे वर डिवोटेड थीस, दे डिड नॉट रिगार्ड द वेदास अ डिवाइन और इनफॉलिबल. सत्य शोधक समाज ज्योति पर फुले ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स के वेलबींग, हैप्पीनेस, यूनिटी, क्वालिटी पे फोकस किया जाता था, इजी रिलीजियस प्रिंसिपल्स और रिचुअल्स पे. आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था, जो कि इंडियन रिलीजियस मूवमेंट था, दैट प्रमोट्स द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑन द इनफॉलिबिलिटी ऑफ द वेदास. एंड ब्रह्मो समाज भी फेथ इन वेदास पे था. क्लियर टिल हियर? होगा. ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज दोनों फोकस करते थे वेदास पे, और जो रिजेक्ट करते थे वेदास को, वो ये दोनों थे, प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज. ठीक है, क्लियर हो गया? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया? हाँ, तो एंटी वेदास वाले तो हुए, एंटी वेदा 3 and 4 हुए ना, तभी तो सी वाइज का सही आंसर. और यही तो क्वेश्चन था, एंटी वेदा कौन से थे, रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदा, ये आंसर था. ठीक है, परफेक्ट. चलो अगला क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विनोबा भावे, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट सत्याग्रही चोजन बाय महात्मा गांधी फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, अवार्डेड भारत रत्न पोस्थमसली. ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताने विच इज करेक्ट. ठीक ठाक लॉट, वी हैव आंसर्स कमिंग एज ए, मेजोरिटी लोग ए डी. ओके, शोभित, नो आइडिया, अगेन ए और डी में ही पोल जा रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर का है सी, विच आई कैन नॉट सी. एक आया सी आयुष्मान का, बबलू का. सो वी हैव 1 and 3 एज द करेक्ट वन. ठीक है, सी इज द करेक्ट वन. फर्स्ट सत्याग्रह चोजन बाय महात्मा गांधी फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सेकंड इनकरेक्ट स्टेट, टोटल रेवोल्यूशन में संपूर्ण क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है वो जयप्रकाश नारायण लेके आए थे, जेपी नारायण. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि विनोबा भावे वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्थमसली इन 1983. क्लियर टिल हियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ आया, प्लीज एक बार बता दो. क्लियर ना? परफेक्ट. चलो अगला क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सैडलर कमीशन, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. लैंड रिफॉर्म्स में विनोबा भावे आफ्टर इंडिपेंडेंस, एब्सोल्युटली राइट. एंड गाइस देखो, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं इसीलिए किसी का नाम स्पेसिफिकली नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉमन्स आ रहे हैं, आई टायर माइसेल्फ ऑलवेज़ टेकिंग योर नेम ओनली. So we have the first commission to review from school education to university education, and it provided for secondary and intermediate education to be controlled by a board of secondary education. Let's see how many of you mark this correctly. Sadler commission is related. We have A and C mein pe poll ja raha hai. Okay, so ACD is what majority people have marked for this one. Correct option C hai, both the statements are correct. Sadler Commission is popular as the Calcutta University Commission. Isne recommend kara tha ki intermediate education ko alag karo degree colleges se, jahan pe ek special selection committee banayi jani chahiye university teachers ke liye. Aur ye bhi bola gaya tha ek central advisory board of education ko set up kiya jaye. Clear till here? Doubt, query, question, confusion? Koi bhi aisa part jo yahan pe nahi samajh aaya? एंड पिछले क्वेश्चन में गाइस द क्वेश्चन वॉज की टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है वो विनोबा भावे ने लेके आए थे, दिस वॉज ब्रॉड बाय जेपी नारायण. ठीक है, शो समझ आ गया? इसीलिए 1 and 3 सही थे, 2 स्टेटमेंट गलत था. चलो अगला क्वेश्चन इसके बाद. सो दिस वॉज द सेट ऑफ क्वेश्चन आई हैड. फाइनली, किसी का कोई डाउट, मेरी क्वेश्चन, कंफ्यूजन, किसी भी पार्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ आया, किसी को है कोई?
परफेक्ट. चलो सो सिंस वी आर थ्रू विद द क्लास, वन मोर थिंग, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. जो लोग नए हैं प्लीज समबडी ऐड योरसेल्फ टू द टेलीग्राम चैनल, लिंक आप शेयर कर दो. ठीक है, टेक केयर, रेस्ट करो. आई हैव फॉरगॉटन द काउंट पे कितने क्वेश्चंस थे. आई थिंक वी टच समवेयर अराउंड 40. मेरे को भी नहीं याद है. ठीक है, मैं खुद चेक कर लूंगी एंड इट्स ओके. दूसरी चीज़ है, यहाँ पे बहुत मेरे को गड़बड़ भी आ रही थी इन द पार्ट ऑफ ये ऑडियो का इशू, कई लोग अब बोल रहे थे. नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें क्लासेस में, एक बार कल का स्केड्यूल बता देती हूँ. कल की स्टार्टिंग के 3 क्लासेस, 10 AM, 12 PM, 1 PM, सारे के सारे स्पेशल क्लासेस पे ही होने वाले हैं. ठीक है, 10 पे एक्सप्लेनर होगा, 12 बजे एक्सप्लेनर होगा, सॉरी 1 बजे एक्सप्लेनर होगा, 12 बजे DMQ होगा. और आप लोगों का जो 8 बजे का क्लास है वो क्वालिटी के रिविजन पे होगा, उसमें कुछ कुछ MCQ का ट्राई. ठीक है, एंड उसके अलावा हाँ, तो कल से जो MCQ वाला क्लास है वो हम 5 या 6 PM पे कर सकते हैं. ठीक है, 5, आई थिंक वी विल डू इट एट 6 PM प्रेफरेबली. मुझे वो टाइम थोड़ा ठीक लग रहा है कि 6 PM पे हम लोग एक MCQ क्लास कर सकते हैं. तो जिसमें MCQ में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ जो कवर करेंगे उसका रिविजन यहाँ कर लिया करेंगे, उस बहाने से चल जाएगा. ठीक है, तो 6 बजे कर लेंगे, देखो 6 बजे कर लेंगे. सो 9 बजे अभी तक तो क्लास नहीं है. अरे जी, कमिंग टू द पार्ट, हाँ 6 बजे तक वील डू इट. एंड कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, ये 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये वाला हमारा पार्ट रहने वाला है. 6 o'clock वील हैव द MCQs फ्रॉम टुमारो ऑन द स्पेशल क्लास. स्टार्टिंग के 4 स्पेशल क्लासेस पे होने वाले हैं. ऐड योर सेल्फ टू टेलीग्राम. 9 PM पे जो कोई क्लास होगी भी लुक इन टू इट अगर टाइम मिला, वरना 1:30 बजे का आई वॉज प्लानिंग. 6:30, 6 या 2:30 में से कोई भी एक क्लास. ठीक है, चलो ऑन दैट नोट विल टेक योर लीव. सुबह 10 बजे मिलते हैं और कल के DMQ के क्वेश्चन भी मैं शेयर कर देती हूँ. एंड ऑल्सो गाइज, समबडी प्लीज एंटर द टेलीग्राम ID ओवर हियर फॉर द पीपल हु आर न्यू टू द क्लास. वो लोग अपने आप को ऐड कर लेंगे एंड आई लुक इन टू दोस डाउट्स. संडे का आज हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे अहेड. गुड डे एंड गुड नाइट एज वेल.